हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? बहुत बढ़िया होंगे यार। तो आज मैं आ चुका हूँ कैसीनो की हमारी सेकंड गेम में, और मैं आप यहाँ पे सेकंड गेम मैंने बना लिया, और यहाँ पे आपको एक क्विक डेमो देने वाला हूँ सेकंड गेम का। तो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर आ चुका है वेलकम टू कैसीनो गेम। सेकंड हमें चाहिए, तो सेकंड प्रेस किया, कट यू मनी 500, चूज अ नंबर, लेट्स से इट वुड बी 1 से 5 के बीच में चुनना, तो मैं 2 चुन रहा हूँ। और अगर कंप्यूटर ने भी 2 चुना होगा तो मेरे को मिल जाएगा, नहीं कंप्यूटर ने 1 चुना था। तो एक और खेलते हैं, प्रेस 1, 2 मैंने चुना, बेट योर मनी 500, चूज अ नंबर, सपोज 3 चुना मैंने, लेट्स सी योर लक। ओके, करंट बैलेंस इज 0, मैं खेलना भी चाहूँ आगे तो सॉरी नो बैलेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गेम। बट एक मिनट, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया था कि अगर सपोज किसी ने 1000 है किसी के पास, उसने 500 लगाए गेम में, और उसने सपोज वो जीत गया, और यहाँ पे अगर मुझसे बैट लगे तो बैट इनटू 2 हो जाएगा उसका, यानी 1000 प्लस जो 1000 उसके पास थे ही, तो यानी 2000 हो जाएंगे। मैंने ऐसा रखा है यहाँ पर। बट आप अगर आप प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस में से पहले 500 हटा सकते हैं। यानी अगर आराम से इसको एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगे यार ये क्या हो रहा है, तो 500 रुपये अगर 1000 थे उसके पास, 500 रुपये उसने जीते, 500 रुपये लगाए और 1000 जीत गया, मीन्स इंटू 2 हो गया, 1000 हो गया, तो 2000 हो जाएंगे। जबकि एक्चुअल में वैसे आप गेम खेलेंगे तो होने कितने चाहिए, 1500, क्योंकि 500 रुपये कटे भी तो सही आपने जितनी बेट लगाई, आप समझ रहे हैं ना, 1000 रुपये से 500 रुपये कटे भी तो सही, मतलब बैलेंस माइनस भी हुआ, वो मैंने नहीं किया है यहाँ पर, और ना मैं आगे गेम्स में करूँगा। बट आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत यू नो रेयरली जीतते हैं इसमें, इतना आसान नहीं होता जीतना, मैंने माइनस नहीं किया अभी। बट आप चाहें तो बैलेंस माइनस भी फिर आप ऐड कर सकते हैं। यानी सपोज मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, बैलेंस वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइनस भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा सकते हैं और प्लस बी इंटू 2 कर सकते हैं। उससे क्या होगा, 500 रुपये पहले कट होंगे और उसमें फिर उसको 1000 ऐड मिलेंगे, 1500 हो जाएंगे प्रॉपर। आराम से एक बार आप दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं अगर समझ नहीं आया तो। बट नहीं, अगर आप ऐसा कुछ झमेले पड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने सीधा भी ऐड कर रखा है बैलेंस के ऊपर, वो भी आप कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका कैसीनो पार्ट 2 में। और अगर आप पार्ट 1 देख के इधर आए होंगे, तो आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक मैंने आप कमेंट्स पे किया था पार्ट 1 के अंदर कि एक छोटी सी गलती हो गई थी, पर हमने लास्ट में एलसिफ में जो बेट लिखी थी वो क्या कर दी थी मैंने, ये आप देख सकते हैं, इफ के नीचे लिख दी थी। तो मैं उसको खेल रहा था तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जब मैं बैलेंस नेगेटिव डाल रहा था, मतलब चल तो रहा था बट ये मैसेज नहीं आ रहा था, बाकी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैसेज भी नहीं आ रहा था, दोनों ही नहीं कर रहे थे। तो मुझे बस एक छोटी सी गलती हो गई थी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो एक ऊपर एलसीएफ के ऊपर एक वो लगाया है ब्रैकेट, सॉरी सेमीकोलन बोल दिया मैंने, इसको आपको हटा देना है और इसके नीचे आपको लगा देना है। इतने एलसीएफ हो गए थे तो शायद एक छोटी गलती हो गई हो। हमने पार्ट 1 गेम बना ली थी, और F1 आई थिंक अभी सही सलामत काम कर जाना चाहिए। मैं अरे यार हर बार ये होता है, जब दो बार आप रन कर देते हो ना और एक बार उसको एग्जिट नहीं करते तो ये इनफाइनेटली चलने लग जाता है। ओके, तो प्रेस 1 करता हूँ और इस बार मैं नेगेटिव में मनी डालता हूँ, यू कैन नॉट प्लेस अ बेट इन नेगेटिव, अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था ये, तो बस आपको एक और एक बार मैं 2000 भी डाल के देख लेता हूँ। सॉरी, प्रेस 1, बेट योर मनी 2000, यू कैन नॉट प्लेस अ बेट मोर देन योर करंट बैलेंस, बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब आप बस आपको क्या करना था, इसके ऊपर एक ब्रैकेट था उसको नीचे मैंने लिख दिया, उससे सब कुछ सही हो गया, बस एक छोटी सी गलती थी आपको बताने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं यार इसका सेकंड पार्ट, और इसमें हम बनाने वाले हैं गेस द गेम। गेस द गेम में हम क्या करेंगे, हम यूजर को बोलेंगे कि 1 से 5 के बीच में नंबर्स हैं, कंप्यूटर उसे पहले से ही एक नंबर चुन लेगा, और यूजर को हम बोलेंगे भाई आप चुनो एक नंबर 1 से 5 के बीच में, और अगर आपका जो नंबर चुना है वो कंप्यूटर के नंबर के चुने बराबर हो गया, दोनों ने सेम चुना, तो आपको जितने आपने बेट लगाए हैं उसके ट्वाइस मिल जाएगा, और अगर आपने ही गलत चुना तो ऑफ कोर्स आपने जितने बेट लगाई है वो 0 हो जाएगी, और उससे बैलेंस से माइनस भी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल गेम है, कुछ भी नहीं करना है इसमें खास। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना एक ब्रैकेट नीचे रखना चाहिए एक्स्ट्रा,
और मैंने इस जो चेंजेस हैं वो सोर्स कोड में भी कर दिए हैं। इसका भी सोर्स कोड आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं भी आती और गेम खेलना चाहते हैं आप, तो सीधा सोर्स कोड कॉपी मारिए, मेन डॉट सीपीपी और कुछ यू नो सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन होती हैं वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी, और सी प्लस प्लस का बेसिक चीजें डाउनलोड कर लीजिए। जब आप कोड लिखने के लायक हो जाए तो आप इस कोड को कॉपी पेस्ट मार दीजिए और आपका कोड वर्किंग में आ जाएगा। ओके, तो अपने एक ब्रैकेट छोड़ के लिखेंगे उसमें ऊपर, क्योंकि ये जो तो ये जो ब्रैकेट है ये आप ऊपर जाएंगे तो ये वाइल लूप का चल रहा है, तो हमें वाइल लूप के अंदर ही रखना सारी चीजें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। इफ इफ हमें रखना है, हमने पहले ए, आप अगर याद हो आपको तो हमने A1 रखवाया था, तब जाके हमने पहला जो गेम थी कैसीनो की वो चलवाई थी, तो अब हम A2 रखवा देंगे। ए इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू, मतलब अगर बंदे ने टू चुना, मतलब बंदे यूजर ने जो गेम खेल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी हमें स्ट्रैंड टाइम जो है वो जीरो करना पड़ेगा। स्ट्रैंड 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 टाइम जीरो, और ये मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऊपर लिख दिया था मैंने, इनिशियलाइज कर रहे हैं रैंडम मॉड्यूल को, और उसके बाद आई थिंक उसके बाद हमें ये चीज तो सेम ही रहेगी, बेट योर मनी, क्योंकि यहां तक तो चीज सेम रहेगी, तो हम इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पे तो देखना ही है ना, हर बार चेक करते रहना है कि बी जो बेट लगा रहे हो कहीं बैलेंस से कम तो नहीं है, जीरो से ज्यादा मतलब बी ज्यादा तो नहीं है जीरो से, सॉरी जीरो से ज्यादा होना चाहिए, बैलेंस से कम होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है बैलेंस से ज्यादा नहीं है, आई एम सो सॉरी। ओके, चेक करते हैं, इसने चेक कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स लगा दिए है मैंने काउट, अब बताना है यूजर को कि भाई चूज करो, चूज अ नंबर नंबर बिटवीन बिटवीन 1 2 5, थिंक इट्स राइट, यस, चूज अ नंबर बिटवीन 1 2 5, और हम छोटा सा ये भी दे देंगे और उसको दे देंगे कैंडल। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इजी रहेगा देखने में। ओके, सो हमने बेट इनपुट कराई, और एक और मैं कहता हूँ बेट योर मनी के बाद मैं एक और एंडल दे देता हूँ, एंडल, उससे क्या होगा एक स्पेस, थोड़े स्पेसेस छोड़ने से अच्छा लगता है, जो फंक्शन अच्छा लगता है, यूज योर मनी। ओके, तो चूज अ नंबर मैंने कर लिया है, और उसके बाद आपको एक इंटीजर लेना पड़ेगा, एक इंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट कुछ भी ले लीजिए, अभी एबीसी चल रहा है सी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और एक आपको इनपुट लेना पड़ेगा सी, चूज अ नंबर और सी, एंटर नहीं मारते साथ में चूज करा लेंगे, यस सी चूज कर लिया हमने। अब आती है बारी नेक्स्ट चीज की, यानी आपको अब देखना है कि उसने जो चूज किया है और आपको कंप्यूटर को एक नंबर चूज कराना है 1 से 5 के बीच में। तो सबसे पहले लेट्स सी योर लक, इसको भी आई थिंक क्यों ना हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं ऊपर से, लेट्स सी योर लक, ये चीज आप 3 नंबर्स कॉपी पेस्ट मार दीजिए, साथ साथ बनाइए, साथ अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो साथ साथ बनाइए, मजा आता है साथ साथ, बाद में सोर्स कोड से देख भी सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो साथ साथ क्या होगा यू नो साथ साथ बनता रहेगा। तो num1 हमने ले लिया है, एक num1 भी ले लीजिए जिसमें हमें रैंडम नंबर को इंपोर्ट करना है, चूज कराना है कंप्यूटर से, बट अब हमें यहाँ पे सिर्फ 5 में से चूज कराना है, तो रैंड ये divide by 5 मीन्स 5 नंबर्स में से एक नंबर, 0 से 5 से एक नंबर चूज करें, अगर हम +1 कर देते हैं तो ये 1 से 5 तक चुनता है ना, तो अभी सिर्फ हमें 5 0 से 5 तक चुन,
इसको अब आगे देखते हैं, हमें लिखना है द नंबर, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, द नंबर चूजन बाय कंप्यूटर इज, बताएगा वो क्या चूज किया कंप्यूटर ने, नंबर नम, जो हमने इंट नम लिया था कंप्यूटर चूज कर लिया। दो सेकेंड रुका, उसके बाद दो सेकेंड रुकना इसलिए जरूरी है क्योंकि सस्पेंस है ना, कहा था मैंने पहली बार भी कि सस्पेंस में मजा आता है, गेम में सीधा सीधा भागता रहे चीज तो मजा नहीं आएगा। जैसे आपने चूज करा लिया है और अब हमें देखना है कि यार जो बंदे ने नंबर चुना अब उसको इक्वेट करना, मीन्स एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, इफ नम इज इक्वल इक्वल्स टू ई, मतलब जो बंदे ने नंबर चुना वो ई के बराबर है, जो हमने चुना और बंदे ने चुना नहीं सी, सी के बराबर है। तो अगर है तो क्या कराओ, तो सबसे पहले तो एक स्पेस दे दो है ना, एक स्पेस इज अ मस्ट, बढ़िया लगता है। उसके बाद काउंट कर दो क्या कुछ हमने ऊपर देखते हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आउट कर दो, तो लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, या एक मिनट मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ, हम ऊपर लिख चुके हैं तो उसको एज इट इज ओपी बेस्ड मार दो, ओपी बेस्ड, तो डायरेक्ट ओपी बेस्ड, बस ये हटा दो, बस डायरेक्ट अब हैंडल लिख सकते हो, मैंने जो स्पेसिस छोड़ रहा था ये फायदा नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट अब हैंडल लिख दो, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा डायरेक्ट। ओके तो हमने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंडल, यू हैव वॉन, जितने बंदे ने बेट लगाई थी बी इंटू टू, पांच गुना नहीं देंगे यार, पांच गुना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंटू टू, और करंट बैलेंसेस बैलेंस, और ये इक्वल प्लस बी इंटू टू, यहां तक सब सही है यार, बढ़िया, बहुत इजी गेम है, सब मैं आराम आराम से चल रहा हूं ताकि समझ भी आए, समझना बहुत जरूरी है। तो ओके अब एल्स स्टेटमेंट लेते हैं, क्योंकि इसमें एलिफ का कोई सेंस नहीं बनता, हमें सिर्फ इफ चाहिए थी कि बंदे ने इक्वल किया तो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो तो आप हार गए, कुछ भी, बहुत सिंपल, सिर्फ इक्वल किया तो ही आप जीते। इसको भी ये थी ना ऊप्स वाली, इसको भी सेम टू सेम पेस्ट कर देते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट, तो हमने काउट करा हैंडल, ऊप्स यू हैव वन नथिंग, एक और स्पेस, बैलेंस माइनस बी, करंट बैलेंस बैलेंस। आई थिंक अब तक यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा है आपको, कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में भर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके अब हमने दो चीजें करा ली हैं, अब सिर्फ एक लास्ट चीज बची है, उसके बाद सेकेंड गेम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्या बचा है उसके बाद, हमें बस एक जो मैंने पिछली बार गलती करी थी वो मैं इधर ना करूं, तो मैं आराम से देख रहा हूं कि ये हाँ यहां पर हमें लिखना है, इसके बाद नहीं नहीं इसके बाद एक चीज और प्रिंट हो जाए पहले, इसके बाद हमने एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर ये प्रिंट कराई थी हमने, और ये पूरा ये इनफैक्ट इफ एल्स, इनफैक्ट ये पूरा प्रिंट कर, सॉरी ज्यादा हो गया, आप नीचे आइए नीचे आइए, आते जाइए आते जाइए, चलिए चलिए चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, बस इतना। आउट किया और एक्स्ट्रा ब्रैकेट किसका आ गया बताओ, इफ का आया ना, इफ बेट के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है कॉपी कर दीजिए, कहां तक एल्स तक, यू कैन नॉट प्लेस अ बेट मोर देन योर करंट बैलेंस, यहां तक इसको कॉपी कर दीजिए, नीचे आइए एल्स के नीचे, एल्स के नीचे ये ना चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, एल्स के नीचे पेस्ट कर लीजिए,
अभी तो सब कुछ क्या हो गया, आराम आराम से देखते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें। काउट किया, प्रेस वन टू क्विट। हमने एल्स कराया, पहले इफ कराया कि नम सी के इक्वल है, एल्स करा दिया कि उसने इक्वल नहीं दिया। फिर प्रेस ट्राई टू अनदर, प्रेस वन इफ यू लाइक टू ट्राई टू, इफ यू लाइक टू ट्राई अनदर गेम, प्रेस टू टू क्विट, हैंडल कराया। फिर उससे हमने इनपुट लिया टू और गुड बाय कहा, अगर उसने दो दबाया। एल्स अगर उसका बैलेंस जीरो से ज्यादा है तो लेट्स प्ले, और अगर उसका उसके कुछ भी उसके अलावा, सॉरी यू हैव नो बैलेंस, नेगेटिव में भी चला गया तो सॉरी यू हैव नो बैलेंस। उसके बाद एल्स के बाद ये आ गया है एल्स इफ, जो खत्म करेगा इसको। शायद एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया तो मैं अभी वहीं पे उसको चेक कर रहा हूं कि कहीं एक्स्ट्रा ब्रैकेट तो नहीं लग गया, और लगा है पक्का। एक ब्रैकेट इफ के बाद एल्स, टिंग 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 टिंग, ये ब्रैकेट ही। ओके, तो ये ब्रैकेट, ये जो है ना छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए और सब सही हो जाएगा। बढ़िया, ओके। तो हमने यहाँ पर बना ली है दूसरी गेम भी, बहुत छोटी सी गेम थी। मैंने कहा था ना फर्स्ट गेम में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत होगी, बट सेकेंड गेम, थर्ड गेम, थर्ड गेम भी हल्की सी, यू नो, हल्का सा मैथमेटिक्स लगेगी रूले गेम में, बट ये बहुत ईजी थी, कुछ भी नहीं था इसमें। और आई थिंक इसके आगे हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद खत्म खत्म। इसको थोड़ा ऊपर कर देते, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सब कुछ अरेंजमेंट में आ जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और एक बार मैं चला के भी दिखाता हूँ। ओके, हटाओ इसे। ओके, कोई गलती हुई है तो पता लग जाएगा। प्रेस वन टू थ्री टू, बैठियो मानी 500, चूज अ नंबर, लेट्स से 3, लेट्स योर लक, द नंबर चूजन बाय कंप्यूटर इज 2, ऊपर से अपॉन नथिंग, योर करंट बैलेंस इज 500, जो 1000 थे ऊपर आप देख सकते हो 500 हो गए। और प्रेस टू, प्रेस वन टू ट्राई अनदर गेम, यस 2। अब मैं नेगेटिव डालूंगा, -5, यू कैन नॉट प्लेस अ बेट इन नेगेटिव, और 2। फिर मैं 500 ज्यादा डाल के देखता हूँ, 800 डालता हूँ, 8000 डाल देते हैं, यू कैन नॉट प्लेस अ बेट मोर देन योर करंट बैलेंस। बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है, मीन्स कोई गलती नहीं है इस बार। प्लस 2 और आखिरी 500 लगाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, क्या लगता है यार, 5 लगता है, 5 चुनते हैं, देखते हैं। 3, अरे यार, जब पहले 3 चुना था तब नहीं चुना इसने, तो ओके कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं 1 भी दबाना चाहूँ, सॉरी यू हैव नो बैलेंस, बढ़िया एकदम। तो हम क्लोज कर देते हैं, गेम बन चुकी है, सेकेंड भी, कैसीनो गेम, थर्ड गेम आ रही है बहुत जल्द, तब तक के लिए और खेलना जरूर यार, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और अगर आप पाइथन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो पाइथन में भी आ रही है गेम बहुत जल्द, शायद नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही हमारा पाइथन का होगा। और ऐसे ही मस्त मस्त प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब ना करना भूले ही, किसको, ऑफकोर्स किसको यार, मेरे चैनल को, ऑफकोर्स साइंटिफिक कोडर को। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर, टाटा, बाय बाय।